शांति। लेकिन कहां कहां अगर हमारे पुराने संस्कार मर चुके हैं, अगर ब्राह्मण को भूषण हम समझते हैं अपने आप को शिव बाबा के बच्चे हैं, ईश्वरीय संतान हैं, पॉलिटी स्टूडेंट हैं, वो समझते हैं और उस अनुसार ही हमारे संस्कार हैं, तो इतना सहज अनुभव करते हैं हम, सहज उठी कला का अनुभव करते हैं। बाबा की नजर में मगन होने में हमें कोई विघ्न नहीं होता। लेकिन अगर माया भी संस्कार मर्ज हो गए तो फिर हमारी कर्म योग की स्थिति कर्म बंधन में बदलने लगती है और हमारे से आए ही नजर आती है। ब्राह्मण जीवन कई बार फिर जैसे लगता है कि विघ्नों की जीवन हो गई, आए थे यहाँ शांति के लिए। कई बार मैंने कहते भी है कि आए थे शांति के लिए, कि वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव मिलेगा, भगवान के बन गए, अब तो सब समस्याएं हमारी दूर हो गई। लेकिन पता चला कि समस्याएं और आ गई, तो कैसे आ गई? अपने ही संस्कारों से हम उन्हें बढ़ा रहे हैं। और अगर बाबा के श्रीमद अनुसार चल रहे हैं तो फिर बिल्कुल ही संगठन हमारे लिए विघ्न रूप नहीं होता। संगठन में हमें एक दो के विचारों का भी सम्मान कर, हमारे विचार भी हो सकते हैं, लेकिन दूसरे को सम्मान देना ही सम्मान लेना है।